नमस्कार, मैं कविता उनियाल, आप देख रहे हैं मीडिया टुडे। राफेल डील को लेके मोदी सरकार दिन पे दिन घिरती नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील के दस्तावेज 10 दिन के अंदर कोर्ट में जमा कराने का आदेश दिया है, जिससे पीएम मोदी की रातों की नींद उड़ गई है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष भी सरकार पे तीखे हमले करते नजर आ रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने चौकीदार को चोर बताते हुए कई खुलासे किए, आइए जानते हैं विस्तार में। अनिल अंबानी की कंपनी में डसॉल्ट ने 284 करोड़ रुपए डाला और उसी पैसे से अनिल अंबानी ने जमीन खरीदी। मतलब साफ डसॉल्ट का सीईओ साफ झूठ बोल रहा है। और बहुत बड़ा सवाल उठता है कि व्हाट इज द कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनी। 8 लाख रुपए की कंपनी में जो कुछ नहीं कर रही है, लॉस मेकिंग कंपनी है, उसमें 284 करोड़ रुपए डसॉल्ट ने क्यों डाले, क्या लगता है आपको? इसको किकबैक कहते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ किकबैक दैट हैज बीन गिवन टू मिस्टर अनिल अंबानी बाय डसॉल्ट, एंड दिस इज क्लियर क्लियर एज डे। आपने पूछा कि प्राइस पर सवाल उठ रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने हवाई जहाज की प्राइस मांगी है और सरकार कह रही है कि नहीं दे सकते। मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति यहां आए थे, मैंने उनसे साफ पूछा, डायरेक्टली पूछा कि आप हमें बताइए, हिंदुस्तान के हवाई जहाज को हिंदुस्तान की जनता से के पैसे से खरीदा गया है, आप कैसे कह सकते हैं कि हिंदुस्तान की जनता को हवाई जहाज का दाम नहीं बताया जाएगा? और फ्रांस के राष्ट्रपति ने मुझसे पर्सनली बोला कि सीक्रेट पैक्ट में प्राइस है ही नहीं, और सीक्रेट पैक्ट में प्राइस हो भी नहीं सकती, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता का हक है कि उनको इस हवाई जहाज का दाम पता लगे। पहली बात। दूसरी बात, डसॉल्ट कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में इंडियन राफेल हवाई जहाज का की प्राइस लिखी हुई है, साफ लिखी हुई है, हम आपको दिखा देंगे। तीसरी बात, परिकर जी ने साफ क्लियरली बोला कि देखिए कॉन्ट्रैक्ट को मैंने नहीं बदला, और वो सच बताऊं तो वो अपने आप को बचाने के लिए बोले, क्योंकि वो जानते थे कि जो राफेल में किया गया है वो गलत है, भ्रष्टाचार हुआ है, और वो अपने आप को इनोसेंट साबित करना चाहते थे, और वो पॉसिबली सही भी है, और वो देश को बताना चाहते थे कि भैया निर्णय मैंने नहीं लिया, मैं डिफेंस मिनिस्टर हूं, मगर निर्णय बॉस ने लिया है, मोदी जी ने लिया है। CCS कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, कोई भी डिफेंस डील करने से पहले CCS की अथॉरिटाइजेशन की जरूरत होती है, अथॉरिटी की जरूरत होती है। नरेंद्र मोदी जी ने CCS मीटिंग भी नहीं करवाई। तो इशू क्या है? एक, भ्रष्टाचार हुआ है और वो आपको दिख रहा है। हमने 284 करोड़ का पहला जो करप्शन का किश्त है अनिल अंबानी के बैंक अकाउंट में जो गया, वो हमने प्रूव कर दिया है। दूसरी बात, प्रोसीजरल, 10 साल से राफेल का के कॉन्ट्रैक्ट की निगोसिएशन हो रही है और पूरे के पूरे प्रोसीजर को नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं तोड़ा है। तो यह भी नहीं कहा जा सकता कि नया कॉन्ट्रैक्ट डिफेंस मिनिस्ट्री के किसी ब्यूरोक्रेट ने किया, या एयरफोर्स के किसी जनरल ने किया, या डिफेंस मिनिस्टर ने किया। सिर्फ एक व्यक्ति ने डिसीजन लिया है, वो है नरेंद्र मोदी। युवाओं, मैं आपसे रिपीट करता जा रहा हूं, ये आपका पैसा है, और पहली किश्त भ्रष्टाचार की 284 करोड़ रुपीस आपके सामने क्लियरली साबित हो गई है। लास्ट क्वेश्चन, जस्ट वन सेकेंड, ही इज वेटिंग फॉर समथिंग। से बात हो रही है, कल आप राइडू जी से मिले थे, क्या अब आप इस ताजे खुलासे के
विपक्ष इज मोर देन हैप्पी टू हैव अ जेपीसी. द क्वेश्चन इज नॉट जेपीसी. जेपीसी तो होनी चाहिए. और अरुण जेटली के बारे में से मैंने बात की और जेपीसी का मतलब उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था. बट जेपीसी एक लाइन है, मगर उससे भी जरूरी लाइन जो सीबीआई चीफ को हटाया गया है. सी सीबीआई चीफ इज प्रिवी टू दिस. सीबीआई चीफ हैज बीन रिमूव्ड बिकॉज ही हैज इंफॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप एंड ही वॉन्ट्स टू स्टार्ट एन इंक्वायरी एंड द प्राइम मिनिस्टर इज टेरिफाइड. डरते हैं इंक्वायरी से, इसलिए सीबीआई चीफ को निकाल दिया. तो सच्चाई बाहर निकलेगी. 30,000 करोड़ रुपए का जो भ्रष्टाचार हुआ वो सबको पता लगेगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ. एक लाइन जेपीसी है और उस पर हम दबाव डालेंगे. बट फ्रेंकली मैं नहीं मानता हूं कि वो जेपीसी कराएंगे. और दूसरी लाइन है जो इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी शुरू होनी है. देखिए फ्रेंकली अगर प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व नहीं थे तो वो कहते इंक्वायरी कराओ, सीधा कह देते मैं देश का चौकीदार हूं, कराओ इंक्वायरी, लगो सीबीआई में कराओ इंक्वायरी, सुप्रीम कोर्ट में कराओ इंक्वायरी. मगर प्राइम मिनिस्टर चुप है, रात को नहीं सो रहे हैं. मैं बता रहा हूं आपको, नींद नहीं आ रही है. आप हंस रहे हो, मैं बता रहा हूं आपको, नींद नहीं आ रही है. टेंशन है, नींद नहीं आ रही है और पकड़े जाएंगे. We can discuss that. That would be a we would have to have a discussion with opposition also, other leaders. But the crux of it, main baat ye hai ki Rafael mein bhrashtachar hua hai. Pehli kisht bhrashtachar ki clearly dikh gayi hai. Dassault ke CEO ne jhoot bola hai. Usne kaha ki Anil Ambani ko humne contract isliye diya kyunki जमीन थी उसके पास. और निकलता है कि डसॉल्ट ने उसके लिए जमीन खरीदी. तो इट इज अ क्लियर कट केस ऑफ करप्शन एंड द ट्रूथ विल कम आउट एंड इट विल बी प्रूवन दैट द प्राइम मिनिस्टर एंड मिस्टर अनिल अंबानी हैव स्टोलन 30,000 करोड़. थैंक यू वेरी मच.